अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ यासीन राजपूत। टुडे वी विल टॉक अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स। एंड अगर आप डायरेक्टली इस वीडियो पे आ गए हैं तो आपको पॉपअप बैनर पे जाना है और आपने पहले पार्ट वन इलेक्ट्रोलिसिस का देखना है एंड देन यू नीड टू वॉच दिस वीडियो। ओके, सो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स की जब हम बात करते हैं तो हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया था कि जब भी आप इलेक्ट्रोलाइट को देखते हैं तो इलेक्ट्रोलाइट में आपने कोई भी जो लिक्विड है उसको या तो आप एक्वस में कन्वर्ट करेंगे या तो आप उसको हीट करके मेल्ट करेंगे, मोल्टन फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास जो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो दो एग्जांपल डिस्कस करेंगे। एक हम लेड ब्रोमाइड की एग्जांपल देखेंगे और एक हम सोडियम मोल्टन सोडियम क्लोराइड को डिस्कस करेंगे। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड में जो एग्जांपल हम डिस्कस करने जा रहे हैं, फर्स्ट एग्जांपल दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड। ओके, मोल्टन लेड ब्रोमाइड की इलेक्ट्रोलिसिस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे अगर हम इसकी केमिकल फॉर्मूला की बात करें तो हमारे पास लेड है एंड हमारे पास Br2 लेड ब्रोमाइड। दिस इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ लेड ब्रोमाइड। अच्छा, अब जब हम ऑब्वियसली इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस करने से हमें इससे दो प्रोडक्ट्स मिलेंगी। एक हमारे पास मेटल है यहाँ पे लेड और एक हमारे पास ब्रोमीन हमें यहाँ पे मिलेगा। तो ये दो सब्सटेंसेस हमें यहाँ पे मिलेंगे जब हम इलेक्ट्रोलिसिस लेड ब्रोमाइड की करेंगे। अच्छा, अब स्टेप्स क्या क्या हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लेड ब्रोमाइड को स्टार्ट करते हैं, इसमें क्या क्या स्टेप्स हैं पहले उसको देखते हैं। स्टेप नंबर वन आपका ये है कि आपने यहाँ पे ये देखना है कि इलेक्ट्रोलाइट आपके पास कौन सा है। इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास लेड ब्रोमाइड है, मोल्टन लेड ब्रोमाइड। बच्चों, जब भी वर्ड मोल्टन आ गया ना, मोल्टन लेड ब्रोमाइड, तो इसका मतलब है सिर्फ आपके पास जो केमिकल फार्मूला में लिखा हुआ है एज इट इज़ वही प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे। अगर लेड ब्रोमाइड लिखा हुआ है तो उससे लेड मिलेगा और ब्रोमीन मिलेगा। अगर सोडियम क्लोराइड लिखा हुआ है तो सोडियम मिलेगी और क्लोरीन गैस मिलेगी। तो यहाँ पे ये तो स्टेप नंबर वन हो गया, आपने इलेक्ट्रोलाइट देखना है। स्टेप नंबर टू इज़ कि आपने लेड ब्रोमाइड जब आप हीट करोगे, ऑब्वियसली आयोनाइजेशन के लिए, जब आप, मैंने आपको ये फर्स्ट वीडियो में बता दिया था, जब आप हीट करोगे इस लेड ब्रोमाइड को तो आपके पास लेड आयन और टू ब्रोमाइड आयन्स आपको मिल गए लिक्विड फॉर्म में। ठीक हो गया, स्टेप नंबर टू जो है हमने स्टडी कर लिया। स्टेप नंबर थ्री ये है कि आपने एनोड लिखना है और कैथोड लिखना है, और मैंने आपको बताया था कि एनोड इज द साइट वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस। तो आप यहां पे लिख लो, ऑक्सीडेशन एनोड पे होती है और कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन। सो कैथोड इज द साइट वेयर रिडक्शन टेक प्लेस। ओके, अब अगर हम इसमें देखें कि हमारे पास जो है इसका अपरेटस अगर हम देखें तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आ गया, इसमें हमारे पास दो इलेक्ट्रोड्स आ गए। और बच्चों ये याद रखना है, यहाँ पे हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स लेंगे, प्लैटिनम भी ले सकते हैं और कार्बन ग्रेफाइट भी ले सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर हम देखें तो बच्चों बैटरी यहाँ पे हमने अटैच कर दी, पॉजिटिव नेगेटिव टर्मिनल। और फर्स्ट वीडियो में हमने देखा था कि दिस इज द एनोड एंड दिस इज द कैथोड। ओके, अब ये जो एनोड है इट हैज़ पॉजिटिव चार्ज, इट हैज़ नेगेटिव चार्ज इन इट। और ये जो इलेक्ट्रोड्स हम यूज़ कर रहे हैं, ये लेट से हम कार्बन के यूज़ कर रहे हैं, कार्बन ग्रेफाइट के यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और हमारे पास यहाँ पे राइट नाउ दो आयंस हैं, लेड आयंस हैं और ब्रोमाइड आयंस हैं। ओके, लेड आयंस हैं और हमारे पास ब्रोमाइड आयंस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास लेड आयंस होंगे और ब्रोमाइड आयंस होंगे। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ से इस चीज़ को आपने गौर से सुनना है। देखो, लेड के ऊपर जो चार्ज है दैट इज़ पॉजिटिव। अब लेड के ऊपर जब चार्ज पॉजिटिव है, जो ही आप बैटरी ऑन करोगे क्या होगा, लेड आयंस अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड। अच्छा, ये कैथोड की तरफ जा रहे हैं, क्यों? बिकॉज कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और लेड आयंस के ऊपर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है। सो दे विल अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द कैथोड एंड ब्रोमाइड आयंस अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द
एनोड। ये तो क्लियर है क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। यहाँ पे आप गौर से देखें अगर तो आपको पता चलेगा कि ऑब्वियसली ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, तो लेड आयंस जो हैं वहाँ पे जाके अट्रैक्ट होंगे। ऑब्वियसली जब अट्रैक्ट होंगे वहाँ पे डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज को हम समझते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिख देते हैं क्योंकि हमें पता है लेड आयंस, यहाँ पे लेड आयंस हमारे पास चले गए, लेड आयंस और यहाँ पे ब्रोमाइड आयंस आपके पास आ गए। ओके, अब हमने पढ़ा था कि एनोड इज द साइट वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड कैथोड इज द साइट वेयर रिडक्शन टेक प्लेस। अच्छा, अब एनोड की तरफ जब ब्रोमाइड आयंस चले गए तो यहाँ पे आपने लिखना है टू ब्रोमाइड आयंस, क्योंकि यहाँ पे हमें देखा कि यहाँ पे हमारे पास दो ब्रोमाइड आयंस हैं। तो टू ब्रोमाइड आयंस जब ऑक्सीडेशन करते हैं, बच्चों ऑक्सीडेशन क्या होती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो टू ब्रोमाइड आयंस टू इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे तो ये बना देंगे Br2। तो हमारे पास एक यहाँ पे Br2 प्रोडक्ट बन गई। उसके बाद अगर हम देखें कैथोड को देखें तो कैथोड में क्या हो रहा है कि हमारे पास जो लेड आयंस हैं, लेट से हम एक लेड आयन की बात करते हैं, वो जो एक लेड आयन है क्योंकि कैथोड इज द साइट वेयर रिडक्शन टेक प्लेस, तो इलेक्ट्रॉन्स वो गेन करेगा और इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद, टू इलेक्ट्रॉन्स गेन करने के बाद वो लेड में कन्वर्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें मेटल मिल गया। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ आपने मेक श्योर करनी है कि ये देखें आपके पास लेड आ गया और ब्रोमीन आ गया, ठीक है। बट यहाँ पे आप अगर देखें गौर करें इस चीज़ को, तो इसमें हुआ क्या कि हमारे पास एनोड जो है, एक और डेफिनेशन जो मैंने डिस्कस की थी वो ये थी कि एनोड पुल्स इन इलेक्ट्रॉन, एनोड पुल्स इन इलेक्ट्रॉन एंड कैथोड पुशेस आउट इलेक्ट्रॉन, कैथोड पुशेस आउट इलेक्ट्रॉन। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहां से इलेक्ट्रॉन्स, ये जो ब्रोमाइड आयंस हैं, ये इलेक्ट्रॉन देंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहां पे फ्लो करेंगे और इलेक्ट्रॉन फ्लो करके यहां पे जाएंगे और लेड आयंस यहां से इलेक्ट्रॉन गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन करके लेड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस चीज़ को हम डिटेल में भी बाद में डिस्कस करते हैं, बट अभी आपने ये, अगर आपने इजीली इन चीज़ों एकदम से आपको अगर आंसर करना है कैम्ब्रिज का, तो आपको अभी आप ये ट्रिक फॉलो करो, फिर उसके बाद हम इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास अभी हमने क्या याद रखना है, एनोड इज द साइड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस एंड कैथोड इज द साइड वेयर रिडक्शन टेक प्लेस। एक क्वेश्चन बार बार पेपर में आप देखेंगे कि एनोड जबकि पुल इन करता है इलेक्ट्रॉन को, ये जो ब्रोमाइड आयंस हैं, ये ब्रोमाइड आयंस जब इलेक्ट्रॉन दे देंगे तो ये ब्रोमीन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे। जब ये ब्रोमीन एटम में कन्वर्ट हो जाएंगे तो वो ब्रोमीन एटम शेयरिंग करके ब्रोमीन बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एनोड से मूव करते हुए कैथोड की तरफ जा रहे हैं। तो कैम्ब्रिज का ये क्वेश्चन आता है कि मूवमेंट बताएं, तो वो मूवमेंट आपने ऐसे बतानी है फ्रॉम एनोड टू कैथोड। अच्छा, ये भी हमें क्लियर हो गया। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट सब टॉपिक की तरफ, एंड दैट इज मोल्टन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन सोडियम क्लोराइड। अच्छा, अब सबसे पहले अगर हम देखें तो स्टेप नंबर वन हमारा ये था कि हमने देखा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा, इलेक्ट्रोलाइट यहाँ पे मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, ठीक है, मोल्टन सोडियम क्लोराइड है। स्टेप नंबर टू, आपने सोडियम क्लोराइड को जब आप हीट, क्योंकि मोल्टन है ऑब्वियसली आपने हीट करना है, जब आप हीट करेंगे तो आपके पास एक सोडियम आयन आएगा और एक आपके पास क्लोराइड आयन आ जाएगा, ठीक है। इसको बैलेंस कर लेते हैं, लेट्स से अगर हम यहाँ पे हम टू मोल्स लें तो हमारे पास टू मोल्स ऑफ सोडियम आयन आएंगे और टू मोल्स ऑफ क्लोराइड आयन आएंगे, तो ये लिक्विड फॉर्म में आपके पास कन्वर्ट होगी क्योंकि आपने क्या किया, आपने इसको हीट किया। ओके, सबसे पहला सेकेंड स्टेप जो होगा हमेशा हमारा क्या होगा कि हमने आयनाइजेशन करवानी है या तो मेल्ट करना है उसको, क्योंकि सोडियम क्लोराइड जो है वो आयनिक कंपाउंड है, वो कभी भी सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, तो हमें ये स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं, तो आपने मेल्ट करना है, हीट करना है उसको, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर टू हमने हीट कर लिया। स्टेप नंबर थ्री, मैंने आपको ये बताया था कि आप लिखें यहाँ पे एनोड और आप लिखें कैथोड, ठीक हो गया। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगी और कैथोड पे हो जाएगी रिडक्शन। अच्छा, जब आप, अगर आपने इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिया, तो अभी तो यहाँ से मैं डायरेक्ट पता चल गया कि सोडियम आयन जो है हमेशा, देखें यहाँ पे लेड आयंस थे वो कैथोड की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, तो सोडियम आयंस भी कैथोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे क्योंकि कैथोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और सोडियम आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, अट्रैक्ट होंगे एंड देन डिस्चार्ज हो जाएंगे। तो हमेशा आपको कैथोड पे मेटल मिलेगा
और नॉन मेटल जो है आपको हमेशा एनोड पे मिलेगा. दिस इज द रूल. ठीक है, यहाँ पे मैं एक रूल लिख देता हूँ कि आपको मोल्टन के केस में, मोल्टन कंपाउंड्स के केस में रूल क्या है कि एनोड पे आपको मेटल मिलेगा, सॉरी कैथोड पे आपको मेटल मिलेगा, कैथोड पे आपको मेटल मिलेगा और एनोड पे आपको हमेशा नॉन मेटल मिलेगा. अच्छा, यहां पे हम देखते हैं अब सोडियम आयंस. ऑब्वियसली सोडियम आयंस दे विल अट्रैक्ट टुवर्ड्स द कैथोड. और कैथोड पे बच्चों क्या होती है, कैथोड पे भी मैंने बताया था, कैथोड इज द साइट वेयर रिडक्शन टेक प्लेस. तो कैथोड पे हमारे पास, यहां पे कैथोड पे हमारे पास टू सोडियम आयंस जाएंगे. ठीक है, और कैथोड पे दो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे एंड दे विल फॉर्म सोडियम मेटल. अच्छा, अब यहाँ पे जो हमारे पास क्लोराइड आयंस हैं, ये क्लोराइड आयंस जो हैं ये दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि एनोड इज द साइट वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. और एनोड जो है, एनोड बैटरी की वो साइड है जो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स को पुल्स इन करेगी. तो यहाँ पे वो पुल्स इन करेगा इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन लूज हो जाएंगे. ठीक है, कम्प्लेक्सिटी में नहीं जाते, जस्ट सिंपल अभी आप याद रख लें कि एनोड इज द साइट वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. तो एनोड पे जो भी आयन अट्रैक्ट होगा, एनोड पे कौन से आयन अट्रैक्ट हो रहे थे, यहाँ पे क्लोराइड आयंस. तो वो जो क्लोराइड आयंस होंगे, क्योंकि एनोड इज द साइट वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस, तो क्लोराइड आयंस विल लूज इलेक्ट्रॉन ओवर देयर. आप ये याद कर लें, आपको हमेशा प्रोडक्ट बनाना आ जाएगी. अच्छा, तो यहाँ पे हमारे पास सॉरी क्लोरीन, क्लोराइड से हमारे पास क्लोरीन बन गया, क्लोरीन गैस बन गई. ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास दो प्रोडक्ट्स आ गए, क्लोरीन और सोडियम. ओके, इसमें हमारे पास देखें कि सोडियम आयंस मैं रिपीट कर रहा हूँ, सोडियम आयन दे अट्रैक्ट टूवर्ड्स द कैथोड बिकॉज सोडियम आयंस हैज पॉजिटिव चार्ज ऑन इट, कैथोड हैज नेगेटिव. ठीक है, मैं इसकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बना देता हूँ आपको. ठीक है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव. अब यहाँ पे हमारे पास दिस इज व्हाट, दिस इज एनोड एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द कैथोड. ठीक हो गया. अब यहाँ पे हमारे पास जो आयंस जाएंगे वो कौन से होंगे, यहाँ पे हमारे पास सोडियम आयंस होंगे अट्रैक्ट होंगे और यहाँ पे हमारे पास क्लोराइड आयंस अट्रैक्ट होंगे. क्लोराइड आयंस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन देंगे और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सोडियम आयंस गेन कर लेंगे और इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट फ्रॉम एनोड टू कैथोड, क्योंकि ऑब्वियसली क्लोराइड आयन से जब वो इलेक्ट्रॉन लेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे फ्रॉम एनोड टू कैथोड. ठीक है, इसी तरह से हमें एनोड पे जो है वो क्लोरीन मिलेगी, क्लोरीन गैस मिलेगी और कैथोड पे हमें मेटल, सोडियम मेटल मिलेगा. ओके, उसके बाद हम एक पास पेपर का क्वेश्चन करते हैं. अच्छा, वर्कशीट में बच्चों आपने जो वर्ड्स, जो की वर्ड्स हैं पहले उनको देख लेते हैं. फर्स्ट इज कि आप देखेंगे कि वो पूछेगा प्रोडक्ट बताएं. ठीक है, सेकंड इज कि वो आप कहेगा कि हाफ आयनिक इक्वेशन लिखें. ठीक हो गया, और वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्या आपने ऑब्जर्व किया. ठीक है, या आपकी ऑब्जर्वेशन क्या है. लेट्स से हमने सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास, जो यहाँ पे हमने मोल्टन सोडियम क्लोराइड लिया था, एक हमारे पास प्रोडक्ट क्लोरीन आई और एक हमारे पास यहाँ पे सोडियम की प्रोडक्ट आई. बट दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ द हाफ आयनिक इक्वेशन. ठीक हो गया, दिस इज़ द प्रोडक्ट. ओके, अच्छा, अगर आप लेट्स से ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है और आपको पता है ऑक्सीजन गैस है. ठीक है, तो अगर आपसे पूछता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है आपकी, तो आपने बताना है कि फिजिंग. ठीक है, फिजिंग, बबलिंग या आपने एफर्विसेंस लिखना है. वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में आपने ये नहीं लिखना कि गैस इज गिवन आउट. ठीक हो गया. ओके, तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. इसमें वो कह रहा है कि हमारे पास जो है दी डायग्राम शोज द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन लिथियम ब्रोमाइड. अब मोल्टन लिथियम ब्रोमाइड में जो स्टेप नंबर वन हमेशा हमारा था, स्टेप नंबर वन क्या था कि हमने इलेक्ट्रोलाइट देखना है, दैट इज मोल्टन लिथियम ब्रोमाइड. अच्छा, मोल्टन लिथियम ब्रोमाइड, दिस इज वी हैव लिथियम ब्रोमाइड. और स्टेप नंबर टू क्या होता है हमारा कि हमने लिथियम ब्रोमाइड को जो है वो मेल्ट करना है एंड यू विल गेट, लेट्स से अगर हम टू मोल्स लेते हैं ताकि हम BR2 बना सकें, तो टू
Li plus N2 Br negative. Now, question number one is mark on the diagram the direction of electron flow. अच्छा, direction of electron flow. तो मैंने आपको क्या बताया कि anode is the side where oxidation take place and cathode is the side where reduction take place. और anode pulls in electron and cathode pushes out electron. तो anode से cathode की तरफ electron move कर रहे हैं. तो सबसे पहले तो आपने देखना है anode कहाँ है और cathode कहाँ है. ये this is anode and this is cathode. तो electron का जो flow होगा, जो movement होगी वो from anode to cathode होगी. Okay. फिर वो कह रहे हैं write an आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन. अब वो आयनिक इक्वेशन पूछ रहा है, आपने जस्ट प्रोडक्ट नहीं लिखनी. आयनिक इक्वेशन की अगर हम बात करें तो बच्चों आपने यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया, नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एनोड लिखना है और फिर कैथोड लिखना है. कैथोड पे रिडक्शन होती है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है. अब आप देख लें एनोड पे बेसिकली कौन सा चार्ज होता है, एनोड पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पे इस केस में इलेक्ट्रोलिसिस के केस में, और कैथोड पे स्पेसिफिकली इलेक्ट्रोलिसिस के केस में नेगेटिव चार्ज है. ठीक है, क्योंकि कैथोड इज बेसिकली दिस इलेक्ट्रोड is connected to the negative terminal of the battery, इसलिए हम इसको कैथोड बोल रहे हैं. अच्छा, अब एनोड की तरफ कौन से हमारे पास आयन्स जाएंगे, एनोड की तरफ हमारे पास ब्रोमाइड आयन्स अट्रैक्ट होंगे, एंड जब वो अट्रैक्ट होंगे तो एनोड इज दिस साइड वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. तो एनोड पे ब्रोमाइड आयन्स दे विल लूज इलेक्ट्रॉन एंड बिकम Br2. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कैथोड. अच्छा, कैथोड की तरफ ऑब्वियसली मेटल बनेगा, तो हमारे पास यहाँ पे ये लिथियम आयन है, तो ये लिथियम में कन्वर्ट होगा. तो कैसे होगा कि अगर लेट्स से हम एक लिथियम आयन लेते हैं, तो एक लिथियम एक इलेक्ट्रॉन गेन करके इट विल गिव यू लिथियम. ओके, बट अगर हम टू लिथियम आयंस लेते हैं तो हमारे पास इसको दो इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे एंड यू विल गेट टू लिथियम. ओके, अच्छा, तो राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द नेगेटिव इलेक्ट्रोड विच इज कैथोड. तो कैथोड हमारे पास ये था, तो इसकी हाफ आयनिक इक्वेशन ये है. आप बेशक इसके साथ लिख लें, टू लिथियम आयंस विल गेन टू इलेक्ट्रॉन्स एंड इट विल फॉर्म टू लिथियम. ठीक है, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं. नाउ राइट एन आयनिक इक्वेशन फॉर द रिएक्शन एट द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड एनोड. तो एनोड पे कौन सा रिएक्शन आप लिखना है, ये वाला रिएक्शन लिखना है. टू ब्रोमाइड आयंस दे विल गिव टू इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म Br2. एंड विच आयन इज ऑक्सीडाइज, कौन सा आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही है. तो आपने बताना है ब्रोमाइड आयन इज ऑक्सीडाइज, इज बींग ऑक्सीडाइज. ओके, तो ब्रोमाइड आयन बेसिकली ऑक्सीडाइज हो रहा है क्योंकि एनोड जो है वो एनोड की तरफ अट्रैक्ट होगा और वहाँ पे ऑक्सीडेशन होगी. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दी मोल्टन आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे इसमें मैं इंशाल्लाह डिटेल में आपको इलेक्ट्रोलिसिस की वर्कशीट्स करवाऊँगा, तो उस वीडियो में वो सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी. तो आपने इस टॉपिक को गौर से पढ़ना है, और अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं. सी यू इन द नेक्स्ट क्लास. टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.